सहरसा में टीका लेने आए बुजुर्गों ने बताया कि मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। सहरसा में कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के कारण आज 10 जनवरी से केंद्र सरकार द्वारा 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग एवं स्वास्थ्य कर्मी सहित फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज का टीका दिया जा रहा है। आज सहरसा के GNM स्कूल में बूस्टर डोज लेने के लिए बुजुर्ग एवं स्वास्थ्य कर्मी काफी संख्या में आए। उन्होंने बूस्टर डोज का टीका लिया। टीका लेने आए बुजुर्गों ने बताया कि मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम बुजुर्गों के लिए सोचा और बूस्टर डोज दिलवाने की व्यवस्था की। टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करने आए सहरसा के सिविल सर्जन अवधेश कुमार ने बताया कि कोरोना का संक्रमण कम्युनिटी में काफी फैल रहा है। सहरसा में कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज से प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की गई। GNM कॉलेज टीका केंद्र पर इसकी शुरुआत की गई, जिसका जायजा सिविल सर्जन ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और स्वास्थ्य कर्मी तथा फ्रंटलाइन वर्कर तकरीबन 6500 ऐसे कर्मियों को जिले में टीका लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। चाचा जी, आपने बूस्टर डोज लिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग ऐसे बुजुर्ग आदमी को बूस्टर डोज दिलवा दिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, सब आदमी मिलकर मोदी जी को धन्यवाद दीजिए और बूस्टर डोज ले लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? रमाकांत राय। सरकार का सहानुभूति या आशीर्वाद से हम लोग को बूस्टर डोज मिला है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जो सबको देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? भुवनेश्वर खान। यह तो सरकार की सबसे अच्छी योजना है देश के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए। इसके लिए सरकार को, व्यवस्था को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे लोगों को? लोगों को तो आपको कह दिया हमारी क्या भावना है। जब हमारे घर के लोग नहीं लिए हैं, जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाए ताकि कोई भी छूटे, सब ले लें। बूस्टर डोज दिया जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये प्रिकॉशन डोज चूँकि बड़ी व्यापक पैमाने पर कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि ये कम्युनिटी में है, इसीलिए हेल्थ वर्कर हमारे प्रेडिस्पोज हैं इन्फेक्शन से। इसीलिए हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर जिनको काम करना है आगे बढ़कर, उनको जल्दी से जल्दी हम लोग वैक्सीनेट कर दें ताकि उनको वो इन्फेक्शन रिसीव नहीं करें। जल्दी से जल्दी उनका जो इम्यूनिटी डिके कर गया है 9 महीने के बाद इम्यूनिटी इसका ख़त्म के बराबर हो जाता है, तो इसीलिए उनको भी प्रिकॉशन डोज दिया जाता है। जिला ब्यूरो शिव कुमार भगत। नवयुवक संघ के संयोजक गौरव सिंह राठौर, साथ में जनसंघर्ष मोर्चा के संयोजक विनोद यादव उर्फ होटल कपार के बैनर तले जमुई सदर अस्पताल में मरीजों पर हो रहे अत्याचार, डॉक्टरों की मनमानी, आए दिन अस्पताल की लचर व्यवस्था के लिए जमुई सदर अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। नवयुवक संघ के संयोजक गौरव सिंह राठौर का कहना है कि आए दिन डॉक्टर अस्पताल में उपस्थित नहीं रहते, जबकि उनका ड्यूटी लगा है। कई बार हमने इस मामले को लेकर CS से बात की तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इन सब बातों को लेकर वो नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे। उन्होंने बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। कल जमुई सांसद चिराग पासवान ने भी सदर अस्पताल का दौरा किया। इसके बाद भी आज अस्पताल की जो पहले ही चरमराई व्यवस्था थी, आज भी वह देखने को मिला। आखिर कब तक चलेगा ये सब? हम लोग स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था को लेकर आज जमुई में सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपने आए थे कि अपने रवैया में सुधार लाए। आप कभी भी, आपको टेलीफोनिक माध्यम से मरीज या उनके परिजन फोन करते हैं तो आप फोन नहीं उठाते हैं, दोबारा करने बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, और आपके चिकित्सक भी आपके अस्पताल से नदारद रहते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। आज हम लोग लेकर के ज्ञापन आए थे, जो लगातार एक सप्ताह से हम लोग झाझा में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी कर रहे थे। झाझा में भी एक डॉक्टर पर गिरी गाज है, पंकज कुमार, जो अस्पताल में अपने ड्यूटी पर कार्यरत नहीं थे रात में। तो उस हम चीज़ों को लेकर के लक्ष्मीपुर जैसे प्रखंड में 1,45,000 की आबादी है और वहाँ पे जो है मात्र 2 चिकित्सक अभी कार्यरत है, खुद एक प्रभारी है और एक चिकित्सक और है। तो इन सब चीज़ों की खामियों के लिए हम लोग आज यहाँ पर जमुई सिविल सर्जन को ज्ञापन देने आए। लेकिन इसी संदर्भ में जब ज्ञापन देने आए तो उनका हवाला दिया गया लोगों से कि वो मीटिंग में है, तो हम लोगों ने निरीक्षण करने के दौरान यहाँ पे आया इमरजेंसी कक्ष में कि क्या हालत है इसको देखा जाए। जब मैं यहाँ आया तो आधे घंटे से दो जो मरीज हैं वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई भी डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं है। और इसके कारण हम लोग आज बिल्कुल घोर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका, कि इस तरह का स्थिति है। जबकि कल चिराग पासवान जी भी आए थे, हमारा डेलीगेशन चिराग पासवान जी से लगातार संपर्क में था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं
जा करके अस्पताल में मॉनिटरिंग करूंगा और वो कल आए भी, लेकिन उसके बाद भी देखिए स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये सिविल सर्जन का घोर लापरवाही है, यहाँ के चिकित्सकों का घोर लापरवाही है। हम आप चौथे स्तंभ से मांग करते हैं कि हम लोग की बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाइए और जिला में जो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है, जितना फर्जीवाड़ा जम्मू जिला में चिकित्सालय खोला गया है, कम से कम इनका जाँच भी हो और कम से कम सदर अस्पताल का सुधार हो। गरीब जनता कहाँ जाएंगे, इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है स्वास्थ्य है तो जीवन, अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। आज हवाला दिया गया हम लोगों को माननीय एजीओ साहब की तरफ से कि आप लोग धरना प्रदर्शन समाप्त लाने में नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का चल रहा है, इसलिए आप नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने सोचा कि आज मेमोरेंडम दे करके कोरोना के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन देखिए आपके सामने सारा चीज सामने प्रकट कर रहा हूँ। कितने दुख के साथ कहना चाह रहा कि जम्मू जिला में इतना अनियमितता बरती जा रही है जिससे लोगों की जान जा रही है, और इतना ही नहीं आपके सामने आपके कैमरे के सामने ही एक पेशेंट अपने मरीज को लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर चला गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हम जम्मू जिला वासियों के लिए कलंकित करता है कि मानवता कहीं ना कहीं मरते जा रहा है और सदर अस्पताल जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। किसी बड़े लोगों के संरक्षण में सिविल सर्जन और उनके डॉक्टर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से जल्द निरस्त करे और इनको यहाँ से भगाया जाए और बड़ी अधिकारी को ये सदर अस्पताल सौंपा जाए। अगर आपकी जो मांगे हैं, अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो क्या आगे करने वाले हैं आप? देखिए सबसे पहला बात, हम लोग हमेशा समाज के हित में लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो मैं अपने दल बल के साथ। जमुई से सदानंद कुमार की रिपोर्ट। मृतक एयरफोर्स जवान आदित्य उर्फ आलोक तिवारी के घर पहुंचे परिजनों से मिलकर भाजपा नेता व पूर्व विधायक ने दिया सांत्वना। पूर्व विधायक राजन तिवारी से अपने पुत्र आलोक की हत्या की घटना के बारे में जानकारी देते हुए पिता चंद्रेश्वर तिवारी हफक पड़े। आखिर क्या गलती थी उसकी जो अपने खेत में शराब तस्करों के द्वारा बनाए गए रास्ते को रोकना इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। पूर्व विधायक श्री तिवारी ने मृतक के दरवाजे पर एसपी से फोन पर बात की और त्वरित कार्रवाई करने को कहा। वहीं संग्रामपुर एसएचओ से जांच में सहयोग की अपील की। उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से मृतक जवान की पत्नी को सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने बिना नाम बताए कहा कि बिहार सरकार में शामिल एक मंत्री कोइरगमा बिंदतौली की शराब माफियाओं को संरक्षण देता है। अगर इस तरह घटना होता रहा तो जहां देश का जवान बाहर से अपने घर आए और उसकी हत्या कर सरेआम बिना किसी वजह के केवल शराब कारोबारियों के द्वारा बनाए रास्ते से फसल क्षति रोकने पर निर्मम हत्या हो जाए। लोगों का कानून से विश्वास उठ रहा है। थानाध्यक्ष घटना के घंटे बाद पहुंचते हैं तो क्या वैसे पुलिस के सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है? नीतीश कुमार की शराबबंदी धरातल पर पूर्ण रूप से फेल है। उल्टे शराबबंदी कानून से पैसे लिए जाते हैं और शराबबंदी कानून वाले पैसे वाले हो गए हैं जिनका पहले को कोई वसूल नहीं था। ग्रामीणों ने श्री तिवारी जैसे नेता पर भरोसा जताते हुए कहा कि आप जैसे नेता के सहयोग से न्याय मिल सकता है। मौके पर जीप सदस्य पंकज कुमार द्विवेदी, ईश्वर चंद उर्फ पप्पू रंजन मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। जिसको देश के लिए शहादत देनी चाहिए और देश के लिए कुर्बान होना चाहिए था, उसको देश के ही कुछ बदतमीज टाइप के लोग जो अपने गांव में अपने बाल बच्चे अपने माता पिता से मिलने आए हुए थे और उस एयरफोर्स के जवान की यहाँ नृशंस हत्या कर दी गई। और यह मामला तमाम तरह का विवाद, तमाम तरह के इसको डाउटफुल किया जा रहा है, लेकिन यह मामला सिर्फ शराब तस्करी का है। और ये जितना इस घटना का हम लोग निंदा करें कम है। एक देश का जवान अपने गांव में अपने परिजन से, अपने शुभचिंतक से, अपने परिवार से मिलने आता है और गैर कानूनी चीज़ को देखकर अगर वो विरोध करता है, उस विरोध करने में उसकी हत्या कर दी जाती है, तो यह निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिहार सरकार से मांग करूँगा नीतीश कुमार जी से कि इसकी जाँच किसी उच्च अधिकारी से कराई जाए। यहाँ के थानाध्यक्ष, गांव के लोगों के बताए अनुसार यहाँ के थानाध्यक्ष विवाद में हैं, उनके ऊपर इन लोगों को विश्वास नहीं है। दूसरे के दिशा निर्देश में इसकी जांच हो। और मैं मांग करूँगा बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इसमें पहल करके परिजन को कम से कम मृतक की पत्नी को, जो देश के लिए कुर्बान होने वाला था और अपने गाँव में एक शराब तस्करी में कुर्बान हो गया, तो उस वीर पुरुष को, उसकी वीर पुरुष के विधवा को, शहीद व्यक्ति के विधवा को कम से कम 50 लाख रुपया सरकारी अनुदान और एक सरकारी नौकरी उनकी उनको दिया जाए, ताकि उनके तीन बेटियां और एक बेटा है, ताकि वो भरण पोषण कर सकें और अपने बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा दे सकें और अपने बच्चों को सही मार्गदर्शित देकर के देश की सेवा में उनको भी लगाया जा सके।
बता नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी है बिहार में किस प्रकार? मैं तो बिहार की बात मैं क्या करूँगा, चंपारण में ही फेल्योर है। मैं तो देखता हूँ क्योंकि मैं चंपारण से राजनीति करता हूँ, मैं चंपारण में देख रहा हूँ कि यहाँ पे होम डिलीवरी आज भी जारी है, बखूबी जारी है, ये शराब आता कहाँ से है। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जिनके पास चलने के लिए मोटरसाइकिल और साइकिल नहीं थी, आज उनके पास तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तमाम बड़े बड़े बंगले हैं, ये कहाँ से आया? जाँच का विषय है और इस पर जाँच करना चाहिए। सरकार क्या इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि जो भूमिहीन है, पैसे जिसके पास नहीं हैं, कल के डेट में आज से 3 साल पहले उनके पास कोई हैसियत औकात नहीं थी, और आज के डेट में वो करोड़पति है, कहाँ से पैसा आया? कौन सा ऐसा खजाना निकल गया? कौन सा ऐसा लॉटरी निकल गया? ये ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो ऐसे ऐसे माफियाओं का बन रहा है पूरे प्रदेश में, कहाँ से बन रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का बिल बना करके समाज पे थोपा गया, जिससे एक नए तरह के आपराधिक सिंडिकेट का जन्म हो रहा है? देखिए, ऐसा कानून मैंने कभी नहीं देखा कि जो कानून बनाने के बाद भी कानून का कोई पालन ना करता हो। हमको लगता है कि हर गांव में शराब की दुकान नहीं लेकिन शराब हर घर में है, और हर जगह शराब की होम डिलीवरी हो रही है, पीने वाला पी रहा है। और पी ऐसा नहीं है कि पी आम जनता ही पी रही है, बड़े बड़े अधिकारियों को मैं जानता हूँ जिनके शराब गाड़ियों से भेजे जाते हैं और बॉर्डर पर रिसीव होता है। मैं सारी हमको जानकारी, ऐसा चीज़ नहीं है, नहीं है, लेकिन मैं क्या कहा कि मैं पुलिस पदाधिकारी नहीं हूँ। जिनको यह जिम्मा सौंपा गया है रोकने के लिए, जब वो अपने जिम्मेदारी से भटक गए हैं। लेकिन जहां तक आलोक तिवारी जी की बात है, हमारे जिले के नए कप्तान अभी आए हुए हैं, तुरंत ज्वाइनिंग उनकी हुई है, और उनके लिए चैलेंज है, यह हत्या या घटना उनके लिए चैलेंज है, और एक गिरफ्तारी उन्होंने आज की है इसमें, और उनके ऊपर मुझे विश्वास है चूँकि वो कप्तान के विषय में मैं जानता हूँ, वो एक ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के हैं, और उनसे हम लोगों को न्याय मिलेगा। और इस केस में जितने भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ स्पीडली ट्रायल करा करके उनको सजा दिया जाए, और ताकि इस गांव को न्याय मिले, इस पंचायत को न्याय मिले, और मृतक के परिजन को न्याय मिले। नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं बिहार में, सही है या गलत? नीतीश कुमार क्या समाज सुधार यात्रा करें नीतीश जी, मैं तो कह रहा हूँ कि जो आदमी जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपता हो, बिहार में शराबबंदी हुई और शराबबंदी भी फेल हो गया, शराबबंदी हुई और शराबबंदी फेल हो गया, और शराब पी पी करके हजारों लोग मर रहे हैं। और देखिए, इतना बड़ा देश का जाबाज सिपाही, एयरफोर्स जो हमारे देश का एक पार्ट है, सेना का एक अंग है, उसका इतना बड़ा जाबाज सिपाही, होनहार सिपाही की हत्या हो जा रही है, यही नीतीश कुमार का सुशासन है, यही सुशासन है। ये एक अपने तरफ से प्रतिनिधिमंडल तक नहीं भेजे, कम से कम नीतीश कुमार को एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए यहाँ, और उनकी अगुवाई में इसकी जाँच करवानी चाहिए कि यह घटना क्यों हुआ। लेकिन राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं के सरकार में बैठे एक मंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, नेता यहाँ पे मैं जो अभियुक्त है उनका, मैं नहीं जानता हूँ, सब खुलवाने की ज़रूरत है। ऐसा ना करे सरकार कि सबको हथियार उठाने पर बाध्य कर रही है सरकार। जिस तरीके से घटना दुर्घटना हो रही है, अब हर परिजन, हर घर के लोग अब हथियार उठाएंगे और अपना बदला लेंगे और कानून से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि इसका समाधान तुरंत निकालें, और ऐसे थाना अध्यक्षों को चिन्हित करके अविलंब बर्खास्त करें और सस्पेंड करें और बर्खास्त करें, और उनकी भी संपत्ति की जांच कराई जाए। थानाध्यक्ष की निगरानी में, थानाध्यक्षों की निगरानी में अगर अपराध होता है तो थानाध्यक्ष दोषी है। नीतीश कुमार ने कहा था इस चीज़ को कि थानाध्यक्ष नपेंगे, थानाध्यक्ष की संपत्ति कुर्क होगी, थानाध्यक्ष को सस्पेंड और बर्खास्त किया जाएगा। कहाँ गया उनका न्याय, कहाँ गया उनका, सिर्फ न्याय यात्रा लेने चलने से होता क्या? मृतक के परिजन मर, जरूरत है। ऐसा ना करे सरकार कि सबको हथियार उठाने पर बाध्य कर रही है सरकार। जिस तरीके से घटना दुर्घटना हो रही है, अब हर परिजन, हर घर के लोग अब हथियार उठाएंगे और अपना बदला लेंगे और कानून से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि इसका समाधान तुरंत निकालें, और ऐसे थाना अध्यक्षों को चिन्हित करके अविलंब बर्खास्त करें और सस्पेंड करें और बर्खास्त करें, और उनकी भी संपत्ति की जाँच कराई जाए। थानाध्यक्ष की निगरानी में, थानाध्यक्षों की निगरानी में अगर अपराध होता है तो थानाध्यक्ष दोषी है। नीतीश कुमार ने कहा था इस चीज़ को कि थानाध्यक्ष नपेंगे, थानाध्यक्ष की संपत्ति कुर्क होगी, थानाध्यक्ष को सस्पेंड और बर्खास्त किया जाएगा। कहाँ गया उनका न्याय, कहाँ गया उनका, सिर्फ न्याय यात्रा लेने चलने से होता क्या? मृतक के परिजन मर गए, इतना बड़ा होनहार लड़का मर गया, और अभी तक वो चिंतित नहीं है, एकदम संवेदनहीन है नीतीश कुमार। मैं काफ़ी दुखी होकर यह बात कर रहा हूँ। एक देश का जाबाज सिपाही गाँव आता है अपने परिजन से मिलने के लिए, और उसकी हत्या हो जा रही है, और कोई सरकार की तरफ से शिष्टमंडल तक नहीं आता है। बागडोगरा से लेकर के गोरखपुर से लेकर एयरफोर्स के अधिकारी यहाँ पे उसको उसके शहीद होने पे सलामी देने चले आए, और नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल तक नहीं आया। यही सरकार है, ऐसे मुख्यमंत्री हम लोग बनाए हुए हैं, जनता जवाब देगी आने वाले समय में।
फिर एनडीए सरकार यदि मिलकर के मुख्यमंत्री को चेंज क्यों नहीं कर देता है? अब ये तो देखिए सरकार की बात है, अब ये सरकार की बात है, सरकार कौन चला रहा है, लेकिन जो जो लोग इसमें शरीक रहेंगे सबके दोषी हैं और सबका जनता फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी को लेकर के एक कमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि नीतीश कुमार का यह जो कानून है ये उनके अदूरदर्शिता का परिचायक है। देखिए ये तो मैं क्या कहना है, एक तो एक हिटलरशाही की तरह कानून बना दिया नीतीश कुमार। मैं आप लोगों से एक ही बात कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में और उनके विधायक लोगों में मैं जानता हूँ कितने लोग शराब पीते हैं, कितने लोग रोज डेली मगर मदिरा पान ना करें तो उनको चैन से नींद भी नहीं आएगी, मैं जानता हूँ, लेकिन खुलवाने की जरूरत नहीं है, मैं सामने देखा हूँ सब लोगों को, लेकिन इसका पर्दाफाश नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं भी एक। तो आप कहना चाहते हैं कि वो अदूरदर्शी नहीं है, ये जानबूझकर अगर 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 दूरदर्शी रहते तो उनके राज्य में एक हमारा सेना का जवान एक जाबाज सिपाही शराब के लिए रोका और उसकी हत्या हो गई, इसका इससे नहीं पता चलता है आप लोगों को नीतीश कुमार कितने संवेदन है? नीतीश कुमार का शिष्टमंडल अभी तक नहीं आया मिलने इस गांव में, बताइए। अब इससे आगे मैं क्या कह सकता हूं, मैं यही कहता हूं कि मृतक के परिजन से अविलंब उनके पार्टी का उनके सरकार की तरफ से कोई शिष्टमंडल मिलने आवे और मृतक के परिजन उनकी पत्नी को विधवा को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा अविलंब दे, तब मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार एक संवेदक व्यक्ति है। अच्छा जमीनी मुद्दा में इसको जो ये सब गलत है, भ्रामक है, कहीं कोई जमीनी नहीं है, इनके जमीन के आठ डरेड़ में कोई है ही नहीं दूसरा अगल बगल, तो क्या अभी बात होगा, ये तो गांव के। अब इसको दूसरा मुद्दा बना, मृतक के परिजन उनकी पत्नी को विधवा को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा अविलंब दे, तब मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार एक संवेदक व्यक्ति है। अच्छा जमीनी मुद्दा में इसको जो ये सब गलत है, भ्रामक है, कहीं कोई जमीनी नहीं है, इनके जमीन के आठ डरेड़ में कोई है ही नहीं दूसरा अगल बगल, तो क्या अभी बात होगा, ये तो गाँव के। अब इसको दूसरा मुद्दा बनाया जा रहा है तस्करों को बचाने के लिए, अगर ऐसा मुद्दा है तो थाना प्रभारी इसको मुद्दा बनवा रहा है और थाना प्रभारी इसमें दोषी है। प्रशासन बचना चाहता है कि क्षेत्र में दारू नहीं बिकता है, यानी कौन प्रशासन यार, मैं तो कह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ ना गांव में, हम तो जान रहे हैं कि कितने प्रतिनिधि और कितने जनप्रतिनिधि लोग शराब पी रहे हैं, मैं कितने मुखियाओं को जानता हूँ, मैं कितने जिला पंचायत सदस्यों को जानता हूँ, मैं कितने विधायक को जानता हूँ, मिनिस्टर को जानता हूँ जो पीते हैं डेली। यार होम डिलीवरी आप बात करते हैं, होम डिलीवरी वाले अभी कभी तो एक होम डिलीवरी में पकड़ा गया, होम डिलीवरी डेली चल रहा है। हाँ जो थाना प्रभारी ईमानदार है निष्ठावान है और उनको यह चीज़ पकड़ना है वो अपने क्षेत्र में नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ थाना प्रभारी ऐसे हैं जिनकी सहभागिता है कहीं ना कहीं से, परोक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, बस इससे आगे क्या कहेंगे। मोतिहारी संग्रामपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में बूस्टर का टीकाकरण हुआ चालू। मुंगेर में कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए कोरोना का टीका लगभग लोगों को दे दिया गया है और दिया भी जा रहा है, जिसको लेकर के वैसे लोग जिसका भी कोरोना का टीका लगा हुआ है लगभग 9 महीने हो गए उनको फिर से कोरोना महामारी से बचने के लिए बूस्टर का टीका लगाया जाना है, जिसको लेकर के आज संग्रामपुर प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा फ्रंट लाइन वर्कर एवं सरकारी कर्मचारियों को बूस्टर का टीका लगाया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार के द्वारा बूस्टर का टीका लगाकर किया गया। और वहीं उन्होंने मीडिया को बताया कि आप लोगों को पता है कि जिनको कोरोना का टीका लगा हुआ है और 9 महीने पूरे हो गए उन सभी व्यक्तियों को बूस्टर का टीका लगना है, उसी के लिए विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। चिकित्सा पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अभी फ्रंट लाइन वर्कर एवं सरकारी कर्मचारियों को बूस्टर का टीका लगाया जा रहा है, वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 60 वर्ष पूरा हो गया अगर वह किसी बीमारी से ग्रसित हो तो उनको भी बूस्टर का टीका लगना है। इस मौके पर BCM स्वास्थ्य प्रबंधक इत्यादि लोग मौजूद थे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सरकार के द्वारा हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को जो जिनका भी सेकेंड डोज लिए हुए 9 महीना हो गया है, अर्थात जो 2021 मार्च 10 अप्रैल तक जो सेकेंड डोज लिए हैं हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर, उसमें प्रिकॉशनरी डोज कहिए या फिर बूस्टर डोज उन लोग को लगना है, जिसकी शुरुआत आज यहाँ पे हुई है। आज और कल 2 दिन स्पेशल ये दोनों लोगों के लिए ही यहाँ पे रखा गया है तीसरा डोज के लिए। क्या लोगों को ये समझना चाहिए कि सरकार टीकाकरण के प्रति कितना गंभीर है, कि 2 डोज के बाद तीसरा डोज भी लेने की बात हो रही है जो कि आगे चल के सारे लोगों के लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि जो सामान्य लोग हैं उनका भी 9 महीना किन्हीं को नहीं हुआ होगा, इसलिए कि शुरुआत में ही उनको लेट से टीकाकरण हुआ था मई 2021 से, तो जब मई आएगा 2022 तो उन लोगों को भी ये प्रिकॉशनरी डोज और बूस्टर डोज दिया जाएगा, इसलिए अभी से ही लोग तैयार रहें और इससे भागना नहीं है। अभी भी जो फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज नहीं लिए हैं उनका समय अगर है
तो वो अभी तुरंत जा करके जहाँ पे भी उनका नज़दीकी सेंटर है वहाँ पे और ले जा कर अभी चूँकि ऑफिशियल लोगों के लिए ही है, खास करके फ्रंटलाइन वर्कर और ये हेल्थ केयर वर्कर के लिए, तो ये सुविधा सिर्फ यहाँ पे रहेगी, हॉस्पिटल में रहेगी, पीएससी में रहेगी। लेकिन जब ये आम लोगों के लिए जाएगा तो ये फिर जैसे हम लोग पहले कर रहे थे बूथ वाइज स्कूल वाइज वैसे हम लोग करेंगे। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है जो किसी बीमारी से ग्रस्त है उनको आज से थर्ड डोज जिसका प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है आज से शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन आज वीडियो साहब के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। रोहित कुमार, संग्रामपुर, मुंगेर की रिपोर्ट। मुंगेर के असरगंज में जमीन विवाद में मारपीट में महिला की टूटी पैर, युवक का टूटा हाथ। पीड़ित पहुंची थाना। बता दें कि जमीन विवाद में एक ही परिवार के दो पक्ष के लोग में मारपीट की घटना में एक पक्ष की महिला की पैर टूटी और महिला के पुत्र जो 24 वर्ष का उसका हाथ टूटा। दरअसल मामला यह है कि असरगंज थाना क्षेत्र के दुलहर गाँव की 58 वर्षीय पीड़ित महिला रेखा देवी ने अपने ही परिवार के ससुर देवर गोतनी और जाऊत पर मारपीट और छीनताई का आरोप लगाते हुए असरगंज थाने में लिखित आवेदन देकर कहा कि मेरे घर के आगे लहसुन लगा हुआ है जिसे मेरे परिवार के लोग आकर उसे उखाड़ फेंकने लगे। जब मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो ये लोग मेरे साथ मारपीट की। अपनी जान बचाकर घर आ गई तो पीछे पीछे मेरे घर आकर मेरे साथ घर में मारपीट करने लगे, जहां बीच बचाव में मेरा बेटा जो 24 साल का पंकज कुमार विंध है वो आया तो उसके साथ भी बुरी तरीके से मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया और मेरे गले से सोने का चैन और कान का बाली छीन लिया। साथ ही मेरे साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई जिससे मेरा एक पैर टूट गया और मेरे बेटे का हाथ टूट गया। मैं थाना में लिखित आवेदन देकर अपने न्याय की गुहार लगाती हूँ। मेरे परिवार का सुधीर बिंद, जीतन कुमार, रिंकी देवी, मोशर बिंद सभी लोगों ने मिलकर मेरे जेवर छीन लिए और बुरी तरह से मारा पीटा। हम दोनों माँ बेटे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इस तरह के अपराध माफ करने लायक नहीं है। मैं पुलिस से इन सभी पर कड़ी कार्रवाई की मांग करती हूँ। लगा हुआ था, ठीक है, लहसुन वसुन रोपा हुआ था, उन लोग ने उखाड़ रहा था, हम मतलब माना किए बस मारने लगा, बस यही है, कुछ कोई बात नहीं, मतलब मारपीट किया है ऐसे ही। मंजूर ली कि मैं बड़ा हूँ, पैसे वाला हूँ, कुछ नहीं कर सकता है। तो मार जब बोल रहे हैं कि लहसुन वसुन उखाड़ रहा था, हम बोले तो मारने लगा था, लाठी पहना से मारा तो कुछ नहीं करेगा। क्या नाम हो आपका? पंकज कुमार। परेशानी बाबू, हमरो अपनो दो भाई, हमरो मालिक के कम दिमाग, वो पढ़ल लिखल, ससुर ओकरे देने सब तो ले लखन, सब चीज वो हम संतोष करी लेलियन घर के जमीन के बारे, वो घर घेरलखन, हमे बेटा के बतवारी परे सर कलियन, अभी कलियन बेटी के बतवारी करबन, आजे अथियन 10 बजे बेटी के देखे के लिए, बड़ो गाँव से ई कलखन, एगो साड़ी खाली तान ले रही, ऐसे करी कहते न तो कर कुटुम नहीं आता, बर्तन तर्तन धोबे नहीं किसी तरह, लोग देखते तो खाली ऐसे करी पर्दा दिलियन ना अपन की। आ गाछ रहन अनार के, पपीता के, कटहल सब मने ढेरी चीज सब उखाड़ी के फेंकी देलखन। आ बोलियन न बस आके हमारा मारलखन, हमरो बेटा आयलन की कथी मम्मी को मारै छो, बस हमर बेटो के हम करी। सुधीर बिंद उसका बेटा है, जितना बिंद मोचन बिंद जीतन कुमार दुल्हर का, कोई फैसला नहीं किया सर मेरा, हम आगे बोले कि हमको दे दो बांट करके, हम घर घेरेंगे, बेटा बेटी के शादी अब की करेंगे फागुन महीना में। देवर है, देवर है, ससुर है, जाओत है, वही लोग आपको मारा? हाँ जी, मारा है। राजेश कुमार, अश्वगंज, मुंगेर की रिपोर्ट।